देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड की क्वीन एंड मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस कंगना, जो कि एक कंट्रोवर्सी क्वीन भी है, कंगना अपने बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से खबरों में आ ही जाती है, पर उनकी इस कंट्रोवर्सीज का असर उनके फिल्मी करियर पर जरा नहीं पड़ता। हाल ही में कंगना अपने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के सक्सेसफुल पार्टी के लिए दिल्ली गई थी, जहां उन्होंने एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट कह दी, और ये स्टेटमेंट उन्होंने करण जौहर के खिलाफ कही। उन्होंने कहा, करण जौहर मेरा टैलेंट देखे और अपनी फिल्म देखे, कुछ लोगों को च्यवनप्राश के डोज की ज़रूरत होती है। कंगना ने यह भी कहा कि मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं आज जो भी हूँ अपने बलबूते पे हूँ। तो आज हमारे टॉप 5 सेगमेंट में हमने कंगना के टॉप 5 कंट्रोवर्सी लाई है, तो चलिए देखते हैं। कंगना रनावत एंड ऋतिक रोशन लव अफेयर। कंगना और ऋतिक के लव अफेयर की कंट्रोवर्सी किसी से छिपी नहीं है। ये बात उन दिनों की है जब ये दो एक्टर दूसरे को डेट कर रहे थे। कंगना ने ऋतिक पे ये आरोप लगाया था कि ऋतिक की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी, और ये ही नहीं, उन्होंने ऋतिक के साथ उनके पिता राकेश रोशन को भी काफ़ी कुछ कहा था। करण जौहर फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म। कंगना अपनी फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए करण जौहर के चैट शो पे गई थी, और जहां करण ने उनसे पूछा कि वो बॉलीवुड के किस खान के साथ काम करना चाहती है, जिस पे कंगना ने कहा उन्हें किसी के साथ काम नहीं करना है। और ये ही नहीं, इसके बाद कंगना ने करण को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म और मूवी माफिया कह के भी चुप करा दिया, जिससे करण अपने ही चैट शो पे चुप हो गए। अध्ययन सुमन कंट्रोवर्सी। जब कंगना और ऋतिक की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तभी शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ऋतिक रोशन के सपोर्ट में आए। उन्होंने कहा कि मैं ऋतिक का दर्द समझ सकता हूँ। अध्ययन सुमन ने कंगना रनावत पर आरोप लगाया कि वो उन पर ब्लैक मैजिक करती थी। अध्ययन सुमन के इस आरोप का कंगना ने बड़े ही बेबाकी से उन्हें जवाब दिया और उनका मुंह चुप करा दिया। आदित्य पंचोली कंट्रोवर्सी। ये उन दिनों की बात है जब कंगना एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी। कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ FIR की, और कहा उन्होंने कहा कि आदित्य पंचोली उन्हें मारते हैं और अब्यूज़ भी करते हैं। रणबीर कपूर कंट्रोवर्सी। हाल ही में कंगना एक इवेंट के दौरान दिल्ली गई थी, जहां मीडिया ने कंगना से पूछा क्या वो पॉलिटिक्स में भी आना चाहती है या फिर उनका कुछ ख्याल है पॉलिटिक्स में आने का। उस पर कंगना ने कहा, मेरा पॉलिटिक्स में आने का कुछ इरादा नहीं है, पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ, पर ये गलत है। हमारी इंडस्ट्री में रणबीर कपूर जैसे एक्टर, जिन्हें इंटरव्यू में कहते हुए देखा गया है कि हमारे घर में पानी और बिजली की रेगुलर सप्लाई आ रही है, तो मैं राजनीतिक में क्यों कमेंट करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश के लोगों के वजह से ही आप आलीशान घर में रह रहे हैं और मर्सिडीज में घूम रहे हैं। आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? ये बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है, और इस तरह की मैं कतई नहीं हूँ। रणबीर कपूर ने यह बात 2018 में एक इंटरव्यू में कही थी।